रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली ऑल विल बी फाइन। हियर इज़ योर एसएस टीचर मिस सबा कामरान। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, यू विल नोट टुडेज डायरी, लर्न वर्ड्स मीनिंग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 2 ऑफ चैप्टर नंबर 14। आफ्टर देन यू विल ओपन योर नोटबुक्स एंड रेडी द टाइटल पेज ऑफ चैप्टर नंबर 14 एंड ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल रेडी योर क्लास वर्क। डे इज ट्यूजडे, क्लास वर्क एंड द डेट इज 5 January 2021। चैप्टर नंबर 14, टॉपिक इज़ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी की जद्दोजहद। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे। नंबर 1 फेबुलस, शानदार। नंबर 2 एक्सचेंज, तबादला। नंबर 3 लैंडेड, उतरा। नंबर 4 रेस्टलेस, बे आराम। नंबर 5 सेंचुरी, सदी। ठीक है, आफ्टर दैन वी कम टू आवर शार्ट क्वेश्चन आंसर्स। शार्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई कुड द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट नॉट सक्सेसफुल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, बरे सगीर के मुसलमान अंग्रेज़ों के खिलाफ कामयाब क्यों नहीं हो सके? इट्स आंसर इज़ दे कुड नॉट सक्सीडिड अगेंस्ट द ब्रिटिश बिकॉज दे वर नॉट यूनाइटेड। ठीक है, वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हो सके क्योंकि वो मुत्तहिद नहीं थे। ठीक है, उनकी नातफाकी ही वजह बनी जो उनको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं कर सकी। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हु वर द लीडर्स, कौन से रहनुमा थे हु हेल्प टू यूनाइट। यूनाइट मीन्स मुत्तहिद होना। हु हेल्प टू यूनाइट द मुस्लिम्स, जिन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद होने में मदद दी। इट्स आंसर इज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जना, सर सैयद अहमद खान, अलामा इकबाल एंड मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कायद मिल्लत लियाकत अली खान। ठीक है, ये वो नुमाया रहनुमा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को बहसीत कौम खड़ा होने में और मुत्तहिद होने में बहुत ज़्यादा मदद दी। ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।